हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 नवंबर, बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तो देखिए, आज की तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यस बैंक के निवेशकों के लिए, क्योंकि आज की तारीख में यस बैंक के क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2020 के नतीजे आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रोकर हाउसेज ने क्या कुछ व्यू दिया है यस बैंक के रिलेटेड। अब उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2020 के नतीजों में यस बैंक के लिए क्या देखना चाहता है। तो देखिए, मान लीजिए कि प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस में कमी आती है इस क्वार्टर के नतीजों में, तो डेफिनेटली मार्केट यस बैंक के नतीजों को रेस्पेक्ट करेगा और आपको यस बैंक भागता हुआ नजर आएगा। वही देखिएगा ब्रोकर हाउसेस क्या कह रहे हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है यस बैंक को लेकर। देखिए, इन्होंने जो टारगेट सुझाया है वो 55 प्रति शेयर का है, यानी कि 55 रुपए का। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 68 पर। वहीं देखिए, आज की तारीख में हम 71 पर गैप अप ओपनिंग के साथ खुले थे। और देखिए, कैपिटल रेजिंग जो कि 1.2 बिलियन डॉलर हो सकती है ग्लोबल इन्वेस्टर के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं ये काफी पॉजिटिव बता रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं कि इसके कारण कहीं ना कहीं डाउनसाइड में लिमिट लगेगी, यानी कि और गिरावट आगे देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि ये इस चीज को भी बोल रहे हैं कि देखिएगा 1.2 डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, इसके कारण यस बैंक का कॉमन इक्विटी टियर फर्स्ट रेशियो जो है वो 260 बेसिस पॉइंट जो है इंप्रूव करेगा। वहीं देखिए, इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये डील 70 रुपए प्रति शेयर होती है तो जो डाइल्यूशन है वो तकरीबन 45% के लगभग देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही देखिए, इन्होंने इस चीज की तरफ भी इशारा किया है कि बैंक के जो हाई एक्सपोजर्स हैं, जिनके कारण सेक्टर पे काफी स्ट्रेस भी देखने के लिए मिला है, वो इतनी आसानी से देखेगा सॉल्व होने वाले नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं काफी टाइम लगेगा। अब देखिए, इन्होंने इस चीज को भी बोला है कि कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रांग रिटेल फ्रेंचाइजीज थी, इनकी हाई मार्जिन ग्रोथ इंजन था, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए भी मिली है। जो एक तरीके से देखा जाए तो इनका ओवरऑल प्रिडिक्शन जो है वो नेगेटिव ही देखने में के लिए हमको मिल रही है। इसलिए देखिएगा, ये बोलते हैं कि जो रिस्क रिवार्ड है वो काफी अनएट्रेक्टिव है, इसका मतलब ये काफी नेगेटिव है यस बैंक को लेकर। वही मैं आपको नमोरा का भी बता देता हूं। तो देखिएगा, नमोरा जो है वो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहा है और टारगेट बता रहा है 110 के। और देखिए, ये कहता है कि अगर डील जो है वो 60 रुपए प्रति शेयर होती है तो डाइल्यूशन जो है वो हमको 50% के लिए देखने के लिए मिलेगा। वहीं ये कहते हैं कि अगर कैपिटल रेजिंग हो जाती है तो डेफिनेटली जो कंसर्न है वो काफी कम होता हुआ नजर आएगा और चीजें हमको सुधरती हुई नजर आएंगी। तो अब जो भी चीजें हैं वो देखिएगा, ये है कि क्वार्टर टू के नतीजों में प्रोविजनिंग और देखिएगा स्लिपेजेस, और जहां तक मुझे लगता है स्लिपेजेस में सुधार होगा और मार्केट आपको रेस्पेक्ट करता हुआ ही नजर आएगा यस बैंक के नतीजों को। उसके बाद देखिए, आपको यस बैंक भागता हुआ नजर आएगा। जैसे ही ये 70 के ऊपर निकलता है, आप मान लीजिएगा कि मार्केट में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि नतीजे क्या है, उसके बाद आपको यस बैंक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ नजर आएगा। जो 80-81 के लगभग रेजिस्टेंस जोन है उसको तोड़ने की देर है, उसके बाद यस बैंक कितना भी भाग सकता है क्योंकि अपने आप में बहुत वॉलेटाइल है। तो चलिए, फिर इसके बाद में वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स का ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।